हायरिंग के मोर्चे पर हमेशा से संघर्ष करने वाले फ्रेशर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। इस साल की पहली के मुकाबले जुलाई दिसंबर छमाही के दौरान फ्रेशर्स के लिए रोजगार के मौकों में बढ़ोतरी होने का अनुमान टीम लीज एडटेक ने लगाया है। टीम लीज एडटेक ने 2023 की दूसरी छमाही के लिए जारी की अपनी एक्सटेंसिव करियर आउटलुक रिपोर्ट में दावा किया है कि फ्रेशर्स को नौकरी पर रखने के मामले में 2023 की दूसरी छमाही में इसी साल की पहली छमाही के मुकाबले 3% का इजाफा हुआ है। इस दौरान नौकरी खोजने वाले उम्मीदवारों के सभी सेगमेंट्स में कुल मिलाकर 73% उम्मीदवारों को नौकरी मिली, जो 2023 की पहली छमाही में 68% थी। अगर फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले सेक्टर्स की बात करें तो 59% के साथ ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप टॉप पर हैं। इसके बाद 53% के साथ टेली कम्युनिकेशंस और 50% के साथ इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। लेकिन आईटी इंडस्ट्री में नौकरी खोजने वाले फ्रेशर्स की मायूसी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2023 की पहली छमाही के मुकाबले आईटी सेक्टर में फ्रेशर्स की हायरिंग 18% घट गई है। वहीं ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी में फ्रेशर्स की नौकरी पर रखने की तादाद में 5% की बढ़ोतरी हुई है। आइए अब जानते हैं कि किन जॉब प्रोफाइल में फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा मौके मिल रहे हैं। इनमें शामिल हैं डेवऑप्स इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसईओ एनालिस्ट और यूएक्स डिजाइनर। अगर शहरों के हिसाब से बात करें तो फ्रेशर्स को नौकरी देने के मामले में पहले नंबर पर बेंगलुरु है, जहां दूसरी छमाही में 65% को नौकरी मिली। इसके बाद मुंबई में 61% और चेन्नई में 47% और दिल्ली में 43% फ्रेशर्स को नौकरी मिली है। कुल मिलाकर जुलाई सितंबर 2022 छमाही के मुकाबले मौजूदा छमाही में फ्रेशर्स को नौकरी पर रखने की तादाद 6% बढ़ी है। इस रिपोर्ट में उन कोर्सेज का भी विस्तार से जिक्र किया गया है जिनके बाद नौकरी की संभावनाओं में इजाफा हो जाता है। इनमें शामिल है डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन में सर्टिफिकेट कोर्स, AI और ML में PG कोर्स। रिपोर्ट में अब डिग्री अप्रेंटिसशिप का नया सेगमेंट जोड़ा गया है। 18 अलग अलग सेक्टर्स की 737 छोटी, मध्यम और बड़ी कंपनियों की राय के बाद यह सर्वे जारी किया गया है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।